मामला फिरोजाबाद के थाना टूला के लाइन पार क्षेत्र के नगला राम किशन का है, जहां गुरुवार को एक नया ठेका खुलना था। ठेका स्वामी ने दुकान तैयार कर ऑटो से 10 पेटी देसी शराब मंगाई थी, जिसकी जानकारी जैसे ही आसपास की महिलाओं को हुई, महिलाओं ने विरोध कर दिया। इसके बाद भी ठेका स्वामी दुकान खोलने की जिद पर अड़ा रहा। बात न मानने पर नाराज महिलाओं ने ऑटो में रखी पेटियों को उठाकर समीप ही बने तालाब में फेंकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक करके महिलाओं ने 7 पेटियों को तालाब में फेंक दिया। इस दौरान जमकर हंगामा हो गया। महिलाओं ने ठेके का विरोध करते हुए ठेका न खुलने की नसीहत दी। महिलाओं का कहना है कि उनके मकान आसपास ही बने हुए हैं, दिन भर उनका इस रास्ते से होकर आना जाना रहता है। इस जगह यदि ठेका खुल गया तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन यहाँ छेड़खानी और मारपीट की घटनाएं होंगी। मना करने के बाद भी ठेका स्वामी मान नहीं रहा था, तब जाकर उन्हें यह कदम उठाने को विवश होना पड़ा। ठेका स्वामी ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाकी बची शराब और ठेका स्वामी को थाने में ले आई। इस मामले में इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार का कहना है कि महिलाओं ने ठेका खुलने का विरोध किया था, शराब को तालाब में फेंक दिया था, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। टूला से ब्रजपाल सिंह परमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। ये बताइए, यहाँ पे जो अभी भीड़ भाड़ का जो मामला है, ये क्या पूरा मामला है? मामला ये है, यहाँ ठेका खुला जा रहा है दारू का, और हम चाहते नहीं हमारी बस्ती में दारू का ठेका खुले, क्योंकि हमारा मकान भी है वहाँ पर, हमारी बहन रहती है वहाँ पर, भाभियाँ रहती हैं, हमारी भाई भी रहते हैं, भैंस बकरियाँ रहती हैं, पूरी बस्ती रहती है यहाँ पर। हम यहाँ गलत काम नहीं होने देंगे। कौन खोल रहा है यहाँ पे ठेका? अब ये तो मुझे पता नहीं कौन खोल रहा है। नाम क्या है उनका? नाम पता नहीं मुझे उनका। नाम आपने पुलिस में इसके खिलाफ पुलिस वालों को हमने बुलाया, 100 नंबर पर भी हमने पुलिस वालों को बुलाया। वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम ज्यादा हल्ला मचाओगी तो 4 पुलिस लेडीज पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। उन्होंने ये कहा और मारेगी यहाँ पर, मतलब पुलिस तुम्हें धमका के गई है। अगर तुम गैर कानूनी, मतलब कि हम लोगों ने जो वो आई थी बोतलें दारू की, वो हमने फेंक दी। उन्होंने ये कहा ये तुमने नुकसान कर दिया, सरकारी काम है और तुमने ये नुकसान कर दिया है यहाँ पर, इसका दंड तुम्हें भरना पड़ेगा, मतलब कि हमें पैसा भरना पड़ेगा उसका। मीना जी ये बताइए, जो भीड़ भाड़ का ये मामला दिखाई दे रहा है, क्या पूरा मामला? जो यहाँ पर लोग आ गए हैं तो बाबा ठेका खोलना चाहते हैं यहाँ पर, मगर हम लोग बस्ती रहती है यहाँ पर, हमारे भी रहते हैं, हम रहते हैं, हमारी बेटियाँ हैं, तो भाई ना ठेका खोलना अच्छा है, अच्छा नहीं लगता है। किसके लिए, किसी को संपर्क करा, किसी पुलिस को सूचना दी? सूचना दी उनने, फोन की क्या 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 आश्वासन दे दी गई? सरकारी ठेका है ये, आपका मुकेश कुमार जी, जो यहाँ पे अभी जो भीड़ भाड़ जो लूटपाट का जो मामला आया, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे जो नई दुकान स्वीकृत हुई है, वो ठेका खुलना था। ये दुकान सरकार द्वारा? हाँ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। अच्छा, तो ठेका खुलना था, तो इन लोगों का माल आया है जी, माल आया है, यहाँ की जो महिलाएं जो हैं उन्होंने जो सारा माल जो लूट लिया, कुछ अपने घर ले गए, कुछ फेंक दिया पोखर में और सारा माल बर्बाद कर दिया। क्या लगता है आपको, ये लूट है या फिर जहाँ पे नहीं लगाने की वो मामला था, क्या क्या लगता है आपको? लूट ही मानी जाएगी, ये तो ठेका तक पहुँच ही नहीं पाया, ठेका तक माल पहुँचा ही नहीं, माल ठेका तक नहीं पहुँचने दिया, रास्ते में इन्होंने खत्म कर दिया। जगह बहुत दूर है, ठेका में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मंदिर नहीं है आसपास, कोई चीज नहीं। लोगों ने यहाँ पे कोई तहरीर वगैरह दी है थाने? नहीं, कोई तहरीर नहीं दी है। अब गए हैं देने के लिए,